हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आज की इस ब्लॉग में, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा दुकान, जो कि यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा होगा कुछ सामान वगैरह, जो कि मेरा दुकान का ही व्यू है। सो दोस्तों, देख सकते हो आज मैं हूँ फिलहाल जो कि मेरे दुकान पर। मैं तो हर रोज़ ही रहता हूँ यहाँ पे, जो कि देख सकते हो मैं अभी हूँ अपने दुकान के, जो कि स्टार्टिंग जो कि गेट के बाहर, गेट के पास ही खड़ा हूँ यहाँ पे। मैं आज मैं आपको मेरा दुकान जो कि दिखाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले अंदर का जो व्यू है ना, वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जो कि थोड़ा मोटिवेशन आपको दे देता हूँ, आपको बहुत सारे मोटिवेशन मिलने वाला है इस वीडियो से, एंड ऊपर से क्या कुछ है मेरा दुकान ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों, मैं अपनी लाइफ की जस्ट एक मिनट आपको स्टोरी बता देता हूँ, जो कि मैं हूँ एक गाँव से रहने वाला, जो कि उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट पे। तो यहाँ पे जो कि मैं पढ़ाई किया था 2000, जो अपना एग्ज़ाम दिया था टेंथ एग्ज़ाम 2015 में, 15 में एग्ज़ाम देने के बाद मैं काम सीखने गया था, जो कि दिख रहा होगा आपको, जो कि दुकान, जो कि मोटर वाइंडिंग का काम सीखने गया था। लेकिन वहाँ पे जो कि मैं कुछ, जैसे कि गर्मी के टाइम में मोटर मतलब फ़ैन वगैरह रिपेयरिंग के लिए ज़्यादातर आते थे, तो मैं गर्मी के टाइम पर ही जा पाता था, बारिश के टाइम पर नहीं जा पाता था, क्योंकि मेरे घर में जो कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम रहता था, जैसे कि गाय वगैरह है, जो कि मेरे फादर जो कि एक फार्मर है, तो गाय वगैरह वगैरह को उनको चराना पड़ता है, जो कि उनको रोज़ जो कि लेके जाओ खेत में लेके उनको खाना मतलब खाना खिलाने के लिए खेत में लेके जाओ, वो लोग घास फूस खाते हैं, उसके बाद शाम को लेके आओ। ऐसे जो कि 5 महीना रोज़ मतलब हर साल ऐसे होता था, 5 महीना बैल को चराता था, उसके बाद ही मैं दुकान में जो कि अटेंड कर पाता था। जैसे मैं बैल करने चराने का जो कि डेट है अक्टूबर अगस्त महीना से दिसंबर महीना तक, उसके बाद दोस्तों जो कि सीजन भी आ जाता है, उसके बाद मैं भी अपने दुकान पे मतलब जहाँ पे मैं सीखने जाता था उस दुकान पे आ जाता था। उसके बाद वहाँ पे जो कि दिसंबर के 15 तारीख से लेकर जैसे जून या जुलाई तक रहता था। उसके बाद वहाँ पे ऐसे हर साल चलता रहा। उसके बाद मैं भी काम सीख गया। सीखने के बाद मैं मालिक को जो कि चार्ज किया कि मुझे 6000 रुपया करके दीजिए, तब मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मालिक ने बोला ठीक है बोल के फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ वहाँ भटकता रहा पैसे के पीछे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है सिर्फ ठेंगा। उसके बाद मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जो कि एक मेरे माइंड में आया था कि मैं यूट्यूब भी सारा दिन देखता रहता था, तो मेरे माइंड में आया कि मैं यूट्यूब में खुद क्यों ना खोलूँ। उसके बाद मेरे पास भी कुछ नॉलेज है इलेक्ट्रिकल के, मोटर वाइंडिंग के रिलेटेड, तो मैं खुद ही जो कि इलेक्ट्रिकल का एक चैनल खोल दिया, जिसका नाम है स्वराज इलेक्ट्रिकल, जो कि मेरा मेन चैनल है। तो वहाँ पे जो कि मैं वीडियो डालता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद 2 साल होने के बाद आज जो कि थोड़ा सफलता मिला है, जो कि चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका है, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही सफलता है, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा था पहले जैसे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाएगा या नहीं। मैं तो बहुत बार चैनल को मतलब बंद कर देता था, मतलब वीडियो ही नहीं अपलोड करता था, क्योंकि कुछ लाइक वगैरह व्यूज़ वगैरह नहीं आता था। उसके बाद मेरे माइंड और भी एक जो कि वो था, जो कि सवाल था, जो सवाल ये था कि मैं मोटर वाइंडिंग का काम सीखा हूँ तो दुकान तो एक देना पड़ेगा, तो कहाँ पे दूँ। मेरा जो कि एक खेत है, एक ज़मीन है, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाया था कुछ मेरे मेन चैनल पर है, जो कि टेकगुड़ा पे है, जो कि मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट एंड कोरकुंडा से थोड़ा आगे पोर्ट्रेल, जो हमारे यहाँ का पंचायत है पोर्ट्रेल, तो यहाँ पे है दोस्तों, कोरकुंडा से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ऊपर है, कोरकुंडा ब्रिज के पास ही है। तो यहाँ पे जो कि मैं अपना दुकान खोल दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपना ही ज़मीन है, कोई ये वो करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे जो कि अपना ज़मीन है, तो हम यहीं पे ही जो कि दुकान खोल दिया हूँ। उसके बाद जो कि दुकान खोलने के बाद दुकान में काम आता रहा, सामान बढ़ाता रहा, मतलब सामान जो कि बढ़ता रहा, मैं काम जो भी आता सबको फाइनली सक्सेस करके देता रहा। उसके बाद जो कि मेरे पास सामान वगैरह जितना भी अवेलेबल मतलब कमी था सब लाता रहा। उसके बाद मैं उसका जो कि अनबॉक्सिंग एंड प्राइस वगैरह भी होलसेल का मेरा यूट्यूब चैनल पे डालता रहा। उसके बाद चैनल भी जो कि अभी थोड़ा ग्रो हो गया, अभी मैं भी थोड़ा बहुत जो कि ग्रो टाइप का हो गया, क्योंकि इससे पहले जो कि मेरा जो कि कंडीशन था एकदम ख़राब। सो फाइनली दोस्तों, जो कि मेरा ये दुकान है जो कि थोड़ा बेटर है कंडीशन है, तो इसलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ मेरा जो कि दुकान, बहुत हो गया मेरा जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में समझा दूंगा। सो यहाँ पे जो कि मैं अपने दुकान पर हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो दुकान का सामान वगैरह, एंड बैकग्राउंड में आप देख सकते हो जो कि मैं सब कुछ दोस्तों अवेलेबल है। यहाँ पे लाइट भी अभी चला गया, जो कि लाइट के वजह से मैं वीडियो को भी नहीं बंद करूँगा। यहाँ पे देखते हो सब कुछ जो कि रिपेयरिंग वगैरह करता हूँ, फ़ैन, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर,
मोटर वाइंडिंग, ऑल टाइप ऑफ मोटर वाइंडिंग। यहाँ पे मैं हूँ बाहर, यहाँ पे छतरी भी जो कि मेरा टूट गया है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था। सो नेक्स्ट दोस्तों जो कि ऊपर टीना लगवाना है, तो नेक्स्ट एक वन या टू वीक के अंदर लग जाएगा। सो यहाँ पे बाहर का व्यू देख सकते हो, आज थोड़ा बारिश का मौसम है। ये रहा अपना हीरो। सो आज थोड़ा बारिश का मौसम है तो इसलिए सामान वगैरह भी बाहर नहीं रखा हूँ, क्योंकि बारिश होगा तो भीग जाएगा, ख़राब हो जाएगा मोटर जो भी मैं रिपेयरिंग किया हूँ, फ़ैन मोटर वगैरह। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने फ़िलहाल ओवरऑल आपको मैं अपना दुकान दिखाने का मकसद था, मैं आपको दिखा दिया हूँ। यहाँ पे कुछ मेरा जो कि टेबल है, यहाँ पे बैठे हुए काम करता हूँ। फ़िलहाल एक काम कर रहा था तो जो कि वो वाला सक्सेस हो गया, तो मैं थोड़ा बैठा हुआ था, तो चलिए आपके लिए एक ब्लॉग वीडियो बनाया जाए तो बना रहा हूँ। सो नेक्स्ट दोस्तों आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाएगा, मेरा दुकान के रिलेटेड या मोटर वाइंडिंग के रिलेटेड। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। सो टाटा।